खेल संग्राम में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन टीम इंडिया के नाम रहा। दूसरे दिन 4 विकेट पर 317 रन से आगे खेलने उतरी टीम इंडिया को मोइन अली ने 5वां झटका दिया। कप्तान विराट कोहली 167 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद अली की गेंद पर स्टोक्स को कैचते बैठे। इसके बाद रिद्धिमान साहा 3 और रविंद्र जडेजा 0 के स्कोर पर मोइन अली का शिकार बने। हालांकि इसके बाद अश्विन और जयंत यादव ने 8वें विकेट के लिए 64 रन जोड़े। जयंत यादव 35 रन बना राशिद की गेंद पर जेम्स एंडरसन के हाथों कैच हुए। वहीं 58 रन बनाकर खेल रहे रविचंद्रन अश्विन को स्टोक्स ने बेरिस्टो के हाथों कैच करा भारत को 9वां झटका दिया। 13 रन बनाकर खेल रहे उमेश यादव को राशिद ने अली के हाथों कैच करा आखिरी विकेट झटका। मोहम्मद शमी 7 रन बना नॉट आउट रहे। इस तरह टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 10 विकेट पर 455 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए जेम्स एंडरसन और मोइन अली ने 3-3 विकेट झटके। वही आदिल राशिद ने 2 स्ट्रोक्स ने 1 और ब्रॉड ने 1 विकेट झटकाए। जवाब में उतरी इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। तीसरे ही ओवर में कप्तान एलिस्टर कुक सिर्फ 2 रन बना शमी की गेंद पर बोल्ड हो गए। हासिब हामिद भी 13 रन बना रन आउट हुए। बेन डकेट को सिर्फ 5 के स्कोर पर अश्विन ने बोल्ड कर इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। 53 रन की पारी खेलने के बाद इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट अश्विन की गेंद पर उमेश यादव को कैचते बैठे। इसके बाद मोइन अली को 1 के स्कोर पर जयंत यादव ने LBW कर इंग्लैंड को 5वां झटका दिया। इस तरह दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 103 रन बनाए। स्टोक्स 12 और बेरिस्टो भी 12 रन बना क्रीज पर है। तीसरे दिन का खेल शुरू होने जा रहा है। ऐसे में इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाज कितनी देर तक भारतीय गेंदबाजों का सामना कर पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम पहली पारी में अब भी 352 रन पीछे है और टीम इंडिया अब तक इस मुकाबले पर हावी दिख रही है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।